आज की ताजा खबर जारी है, मैं हूं किशोर अजवानी। आज राजस्थान की 199 विधानसभा और तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजस्थान में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान के लिए राजस्थान में 51,657 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सुरक्षा के लिए 640 पैरा मिलिट्री कंपनियों के साथ 1,44,000 जवान सुरक्षा में मुस्तैद हैं। तो राजस्थान और तेलंगाना में वोटिंग हो रही है और लास्ट राउंड है। इसके बाद 11 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। 2019 के चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस बार राजस्थान की अगर हम खासकर बात करें तो 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राजस्थान में वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य में दोनों बड़ी पार्टियों के कई बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इनमें सबसे पहला नाम राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे का है, जो झालरापाटन सीट से चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस बार उनके लिए मुकाबला कड़ा हो सकता है, क्योंकि उनका मुकाबला बीजेपी के ही पूर्व विधायक और उनकी ही जाति के कद्दावर नेता मानवेंद्र सिंह से है। दूसरी अहम सीट उदयपुर की है, जहां राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया का मुकाबला कांग्रेस की गिरिजा व्यास से है। उदयपुर की लोकसभा सीट से गिरिजा व्यास 3 बार चुनाव जीती है और इसी सीट से 1985 में विधानसभा चुनाव जीतकर गिरिजा व्यास ने चुनावी राजनीति की शुरुआत की थी। इसी तरह टोंक सीट है, जहां सचिन पायलट का मुकाबला बीजेपी सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री यूनुस खान से है। यूनुस खान अकेले ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन पिछला चुनाव यूनुस खान डीडवाना सीट से लड़े थे। राजस्थान के 2 बार सीएम रह चुके अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से मैदान में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बावजूद अशोक गहलोत इस सीट से 18,000 वोट से चुनाव जीत गए थे। बीजेपी ने उनके खिलाफ शंभू सिंह को ही उम्मीदवार बनाया है। शंभू सिंह खेतासर को ही पिछले चुनाव में अशोक गहलोत ने हराया था। तो सीपी जोशी नाथद्वारा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नाथद्वारा सीट से 2008 में सीपी जोशी केवल 1 वोट से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने सीट से महेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है, जो कांग्रेस छोड़कर चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। जयपुर से हमारे सहयोगी भवानी सिंह मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। भवानी, इस बार 2 मुख्य पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जिनके बीच में टक्कर है। क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? वोटिंग शुरू हो चुकी है, कितनी तादाद में वोटर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र? देखिए, इस वक्त मैं जयपुर की विप्र गोड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पोलिंग बूथ संख्या 20 पर खड़ा हूँ। ये किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है जयपुर के, और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी कतार लग गई है। अभी से कतार लगी हुई है, सुबह से लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर। और ख़ास बात यह है कि कांग्रेस के एक बड़े चेहरे सचिन पायलट कुछ देर बाद में यहीं पहुँचने वाले हैं वोट करने के लिए। कतार लंबी है, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं लोग, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये संवेदनशील मतदान केंद्र है राजस्थान के अंदर, जो 13,000 संवेदनशील मतदान केंद्र है उनमें से एक है। कितनी देर से खड़े हैं आप? सर, ऑलमोस्ट 10 मिनट। आपकी बार ये पर्ची दी जा रही है आपको, साथ में वोटिंग पर्ची दी जा रही है, जिसमें फोटो आइडेंटिटी है, पहचान है। क्या रहेंगे, आपको क्या लगता है इस बार आपके मुद्दे क्या हैं, किस पे वोट करने चाहते हैं? हम तो साहब, जो अब है जो अच्छा काम करेगा हम तो उसी के लिए करेंगे, बहुत अच्छा विकास करेगा हमारे राजस्थान का, उसके लिए राजस्थान का विकास करेगा। ठीक है, अब कितने लोग आपके परिवार में से आए हैं? आप ही आए हैं अभी? पहले मैं ही आया, नहीं आया। विकास बड़ा आधार रहेगा जी। बड़ा उत्साह है, आप सुबह सुबह आए हैं यहाँ पर, देख रहा हूँ लाइन लगी हुई है। दोबारा आया हूँ, पहले चालू नहीं हुआ था। दूसरी बार आए हैं, जब पहले आप एक बार चक्कर लगा कर आ गए तब चालू नहीं हुआ था, अब आए हैं यहाँ पर। काफी अहम है आपके लिए ये? जी हाँ, बिल्कुल। क्या रहेंगे, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, आपके मन जहन में क्या है? विकास ही है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा, विकास है बस। विकास से, ये विकास बुनियाद है इंसान की जिंदगी की, विकास नहीं है तो इंसान ही नहीं है। तो वोटिंग के मुद्दे सबके अपने अपने हैं, लेकिन अब खास बात यह है कि इस बार राजस्थान में चुनाव काफी मायने रखता है, क्योंकि कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि शायद इस बार बदलाव हो और कांग्रेस सत्ता में आए। बीजेपी के लिए चैलेंज है काफी बड़ा वसुंधरा राजे के लिए कि वो वापसी कर पाती है। बिल्कुल भवानी, जैसा कि आप बता रहे हैं कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और लोगों के दिमाग में विकास मुद्दा ज्यादा है। जैसा कि आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, विकास को दिमाग में रखकर वो पोलिंग बूथ पहुंच रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे हम। बुलंदशहर हिंसा के 3 दिन बाद भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और एक के बाद एक अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं।
योगेश राज के बाद अब एक और आरोपी शिखर अग्रवाल ने एक वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा शिखर अग्रवाल बुलंदशहर में हुई हिंसा के बाद से ही फरार है, जबकि उसका नाम पुलिस की FIR में। जिस पर शिखर अग्रवाल ने वीडियो जारी कर सफाई दी और दोषी साबित होने पर खुद को किसी भी सजा के लिए तैयार बताया। मुझे योगी सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे, देश सरकार पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये सरकार चाहे मैं दोषी हूँ तो मुझे सूली पे लटका दिया जाए और अगर मैं दोषी ना हूँ तो मेरे साथ कुछ ना करा जाए। इस वीडियो के जरिए शिखर अग्रवाल ने पुलिस पर बुलंदशहर हिंसा के बाद बदले की नियत से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। पुलिस ने बदला लेने के लिए मेरा पूरा घर तोड़फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, क्या अधिकार है पुलिस को मेरा घर तोड़ने का। यही नहीं, शिखर अग्रवाल ने बुलंदशहर हिंसा में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इससे पहले बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी बताए जा रहे योगेश राज ने भी वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया था। सियाना में गोकसी प्रकरण को आप देख रहे होंगे, पुलिस मुझे इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास हो। बुलंदशहर हिंसा के आरोपी एक के बाद एक वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताने में जुटे हैं, जबकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश के बावजूद उन्हें पकड़ना तो दूर उनका सुराग लगा पाने में भी नाकाम है। इस बीच बुलंदशहर हिंसा से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित नाम के नौजवान की गोली लगने से मौत हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दोनों को 0.32 बोर की गोली लगी। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित को एक ही पिस्तौल से गोली मारी गई। बुलंदशहर हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के पास सर्विस पिस्तौल के साथ उनकी निजी पिस्तौल भी थी, लेकिन भीड़ की हिंसा में उनकी मौत के बाद से ही उनके दोनों हथियार गायब हैं, जो इस मामले में किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करना है, जिसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शहीद सुबोध सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मौत के बाद से ही उनका परिवार सीएम योगी के रवैये पर नाराजगी जता रहा था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मुलाकात के दौरान शहीद सुबोध सिंह की पत्नी, उनके बच्चों और बहन को हर मुमकिन मदद देने के साथ ही इंसाफ मिलने का भी भरोसा दिलाया। मुलाकात के बाद प्रदेश के DGP OP सिंह ने सुबोध सिंह के दोनों बेटों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सम्मानता से, बहुत ही गंभीर तरीके से परिवार वालों की बात सुनी। सरकार की ओर से परिवार को जो भी कुछ श्रद्धांजलि और सहानुभूति करना है हम लोगों ने किया। वहीं शहीद सुबोध सिंह के बेटे भी CM से मुलाकात के बाद संतुष्ट नजर आए। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा। सीएम की तरफ से सुबोध सिंह के परिवार को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया गया, जिसके जरिए सरकार ने शहीद के परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। यूपी सरकार की तरफ से सुबोध सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा उनके परिवार पर बकाया 30 लाख का होम लोन भी सरकार की तरफ से चुकाने का ऐलान किया गया। साथ ही दोनों बेटों की आगे की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। सरकार ने एटा की एक सड़क का नाम शहीद सुबोध सिंह के नाम पर रखने का ऐलान किया। लेकिन एक और जहां राज्य सरकार शहीद के परिवार को दिलासा देने में जुटी थी, तो दूसरी ओर विपक्ष बुलंदशहर हिंसा को मुद्दा बनाते हुए सीएम योगी को घेरने में जुटा। समाजवादी पार्टी ने हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए सरकार को निशाने पर लिया और दावा किया कि सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही। पुलिस के बड़े आला अधिकारी डर रहे हैं संगठन का नाम लेने में, FIR से नाम हटाए जा रहे हैं, सरकार दंगाइयों को बचा रही है। तो वहीं भारत बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर ने भी समाजवादी पार्टी के ही सुर में सुर मिलाया। योगी जी की सरकार जो है वो वहाँ पर प्रोटेक्शन के पीछे लगी हुई है, राष्ट्रपति जो है वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जब अधिकारी को मारा जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गंभीर बात है। हालांकि बुलंदशहर हिंसा केस में राज्य सरकार पहले 3 अलग अलग जाँच का ऐलान कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है, लिहाजा विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि विपक्ष के हमले बढ़ते देख बीजेपी के नेता भी सरकार के बचाव में सामने आए और उन्होंने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। लगातार सरकार उसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, पुलिस की टीमें बनी हुई हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन BSP ने BJP के इस दावे को खारिज करते हुए हिंसा के जिम्मेदार हिंदुवादी संगठनों को BJP का सहयोगी करार दिया। ये सब लोग वो संगठन हैं जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ चुनाव के दौरान, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा के चुनाव के दौरान ये सब जुड़े हुए संगठन थे। आज उनको बचाने की कोशिश हो रही है जबकि वो सीधे तौर पर लिप्त हैं इस पूरी हिंसा में। वहीं BSP ने यह भी दावा किया कि बुलंदशहर की साजिश हिंदुवादी संगठनों ने ही रची।
वहीं दूसरी पार्टियों ने भी यूपी की खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने भीड़ की हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत के बाद सीएम योगी के रवैये पर भी सवाल उठाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया कि एक पुलिस अफसर मारा जाता है और वहां के वजीर आला दस से मस नहीं होते, वो कबड्डी का मैच देखता है, राम के नाम पे वोट लेने चाहता है, मगर उस परिवार की तरफ नहीं देखता। कांग्रेस ने तो एक कदम आगे बढ़कर इस मामले में प्रधानमंत्री को भी घेर लिया। भाजपा के नेता प्रधानमंत्री शादी ब्याह और प्रचार में व्यस्त हैं, जब उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही। उधर यूपी के डिप्टी सीएम सरकार के बचाव में सामने आए। घटना घटी है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके आधार पर यह कोई नहीं कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में हालात खराब हैं और दूसरे राज्य में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। अगर उनको घबराहट लग रही है कि वो अपना बयान देते रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि एसआईटी जांच के बाद बुलंदशहर का सच सामने आ जाएगा, लेकिन सरकार की जांच की दलील का भी विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इंस्पेक्टर सुबोध सिंह पर एक ट्वीट कर बीजेपी के निशाने पर आ गए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने यूपी के बुलंदशहर में भीड़ के प्रदर्शन के दौरान सुबोध सिंह की हत्या को कश्मीर में पुलिस वालों की हत्या से जोड़ दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में जो लोग पुलिस वालों की हत्या करते हैं और उनके हथियार छीनते हैं, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। यूपी में सत्ताधारी पार्टी इन हत्यारों को हीरो के रूप में पेश करेगी। इंस्पेक्टर के आखिरी वीडियो में भीड़ कह रही है, मारो, उसकी बंदूक छीन लो, जिसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उमर अब्दुल्ला पर पलटवार किया और उनके ट्वीट को भड़काने वाला बताया। कानून अपना काम करता है, लेकिन आप टेररिज्म को किसी और चीज के साथ जोड़ करके महिमा मंडित ना करिए तो अच्छा हो। साथ ही बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को गुमराह करने वाले बयान नहीं देने की नसीहत भी दी।